नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। तुम इनके कितना कर लेंगे जब जे भैं कौन है ये, कौन बात कर रहा है वहाँ पे? क्यों बात कर रहे हो? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बुला इसको। भुवनेश यादव है ना, गाली देने का मन करता है तुम लोगों को। इतनी इतनी वाहियात किस्म की श्रेणी है ये। उसका खाना खाने आए, उसका खाना खा के चले जाएंगे, यही तो इतनी सोच है हमारी। सिपाही है ना, इतना ही सोच सकते हैं। जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी का गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती का बताया जा रहा है, जहां जयंती के दौरान जेल स्टाफ ने जेल लाइन में एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें बाबा साहब को लेकर गोष्ठी के बाद भोजन का आयोजन था। पूरे प्रोग्राम में जेल स्टाफ से लेकर कैदी भी शामिल थे। गोष्ठी में सिपाही ने की हूटिंग, उसके बाद गर्म हुआ पारा। दबी आवाज में स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी को उक्त प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जहां भुवनेश यादव नाम के सिपाही ने हूटिंग चालू कर दी, जिसे जेल अधीक्षक काफी देर से नोट कर रही थी। गोष्ठी के बीच में ही जेल अधीक्षक का पारा चढ़ गया और हूटिंग कर रहे सिपाही को उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि जैसे ही अधीक्षक को इस बात का एहसास हुआ कि उनका वीडियो बन रहा है, वैसे ही उन्होंने अपनी भाषा को संयमित कर लिया। सिपाही ने ही बनाया वीडियो और वायरल कर दिया। जब जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी मंच पर गोष्ठी कर रही थी, तो पास में ही खड़ा एक सिपाही मोबाइल से उनका वीडियो बना रहा था। इसी बीच एक दूसरे सिपाही से जेल अधीक्षक और सिपाही भुवनेश यादव के बीच की गाली गलौज उसके कैमरे में कैद हो गई। आश्चर्य की बात तो यह रही कि वीडियो बना रहे सिपाही ने वीडियो बनाकर उसको वायरल भी कर दिया। 2017 बैच की आईपीएस हैं कोमल मंगलानी। जिस जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी का गाली देते वीडियो वायरल हो रहा है, वो 2017 बैच की महिला आईपीएस है और मैनपुरी जेल में उनकी पहली पोस्टिंग है। एक माह पूर्व ही उनकी पीसीएस जे रैंक के अधिकारी से शादी हुई है। फिलहाल कोमल मंगलानी मैनपुरी जेल अधीक्षक पद पर तैनात हैं, तो उनके पति उत्तराखंड में मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। वायरल वीडियो पर जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल उनके इस वीडियो और उनके स्टाफ की हरकतों से जेल प्रशासन की खासी फजीहत हो रही है। देखिए अवनीश शाक्य की रिपोर्ट। प्रोग्राम है, उसमें लोगों ने इंटरेस्ट कम लिया है, उसी हिसाब से तैयारियां भी मुझे उतनी उमदा नहीं दिखी जितनी पिछली बार थी। मुझे हेड साहब ने भी बताया कि इस बार आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। ये जेल लाइन है, बहुत छोटा सा परिवार है, और अगर आप और हम लोग ही मिलकर इसमें सहयोग नहीं देंगे तो कौन देगा? ये बहुत शर्म की बात है। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों के लिए उन लोगों ने इतना काम किया, हमारे लिए इतना काम किया, संविधान के लिए इतना काम किया। आज उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देने के लिए नहीं। मतलब शेम ऑन यू। बहुत बहुत खराब बात है कि मुझे ये पता चला कि इनको तो घर घर जाके आप लोगों से पैसा मांगना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग के अंदर इतनी तमीज नहीं है कि आप इन लोगों का सहयोग करें। 50-100 रुपए तो आप बंदी को थप्पड़ मार के ले लेते हैं, उसके बाद भी आप लोगों का जो एटीट्यूड है, इट्स पैथेटिक। मैंने जितना लास्ट टाइम इस फंक्शन को एंजॉय किया था, आज उतना ही बुरा फील कर रही हूँ यहाँ पे आके। मैं आगे देख रही हूँ कि सब चीजें इतनी अव्यवस्थित हैं। कोई 4-5 लोग मिलके कितना कर लेंगे जब जे भैं कौन है ये, कौन बात कर रहे हैं वहाँ पे? क्यों बात कर रहे हो? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बुला इसको। भुवनेश यादव है ना, इसका नाम अपनी खुशी के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, खुशी बांटने आई हूँ। लेकिन तुम लोग इतने बदतमीज और वाहियात किस्म की श्रेणी हो ना, कि तुम लोग के लिए आना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। मैं आज यहाँ थी भी नहीं, स्पेशली आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना था, यहाँ उपस्थित होना था। लेकिन आई कैन, मैं एकदम क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है।
यहाँ कुछ ही दो चार लोग मिलके कोई प्रोग्राम करते हैं, बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आते हैं बस ये सोचते हैं कि मुफ्त का खाना मिलेगा। जब आ रहा है कोई इंसान आपके लिए इतना समय निकाल के, तो चीजें इतनी अव्यवस्थित दिखाई देता है कि किस तरीके से आप जेल लाइन को रखते हैं। मैं क्या जेल लाइन के लिए सोचूं? आप जब खुद लोग कोई कंट्रीब्यूशन करने के लिए रेडी नहीं हो, यहाँ इतनी अव्यवस्थित चीजें, चार पांच लोग मिलकर कितना कर लेंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।